आस्था व विश्वास का प्रतीक हजरत लाल शहीद शाह बाबा का सालाना उर्स मंगलवार की रात्रि में उर्स एकता कमेटी द्वारा गोंडा जनपद विकास खंड नवाबगंज स्थित बाबा की मजार पर हर्षोल्लास वातावरण में मनाया गया। सर्वप्रथम बाबा की मजार को गुसूल कराया गया। इसके बाद नौजवानों ने बाबा की चादर पोशी के लिए शहर में चादर लेकर जुलूस निकाला। जुलूस बाबा की मजार से निकलकर कस्बे में उसे ले जाया गया। उसके बाद मजार पर पहुंचने के बाद रस्म के अनुसार बाबा की चादर पोशी की गई। चादर पोशी होते ही मजार पर दुआ फातिहा नमाज का दौर देर रात तक जारी रहा। बाबा की मजार पर पहुंचे लोगों ने शहर व विश्व में अमन चैन तथा परिवारों की सुख समृद्धि की कामना की। हजरत लाल शहीद शाह बाबा की एक झलक पाने को लोग बेताब दिखे। दरगाह के इर्द गिर्द विभिन्न तरह के दुकानदारों ने स्टॉल लगाए थे। पूरी मजार विद्युत साज सज्जा से दमक रहा था और उसके अंतिम दिन कव्वाली का शानदार मुकाबला हुआ, जिसमें कानपुर से आए मशहूर कव्वाल शरीफ परवाज व बनारस से आई कव्वाली रुखसाना बानो के मध्य रात भर में कव्वाली का शानदार जवाबी मुकाबला होता रहा, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। प्रोग्राम में शिरकत करने वालों की भारी भीड़ कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान शासन प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद दिखा। सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुदीप भूषण शरण सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह व विशेष अतिथि डॉक्टर सैयद हाफिज अली, चेयरमैन SMI ग्रुप आप कॉलेज, सभी ने एक साथ फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का संचालन उर्स एकता कमेटी के सचिव शहबान अली ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से डॉक्टर इकबाल अहमद, मोहम्मद फारूक रैनी, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद जुबैर अंसारी, सभासद आवेश खान, निसार मंसूरी आदि लोगों का विशेष योगदान रहा। दर्शकों को अपना परिचय दें। डॉक्टर सैयद हाफिज, ये कैसा कार्यक्रम था जहाँ पर आज आप उपस्थित हैं? आज कार्यक्रम लाल शहीद बाबा के मजार पे प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी जो है बहुत हर्षोल्लास से बहुत उत्सुकता से हम लोग मना रहे हैं, और इनके कर्म से पूरे इनका कर्म पूरे नवाबगंज के और पूरे क्षेत्र के लोगों पे रहता है। और ये किसी धर्म जाति विशेष के लोग यहाँ नहीं आते, और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख सभी लोग मिलजुल के इसको मनाने का काम करते हैं। और कहीं भी आप जाएंगे किसी धर्म में, किसी वली किसी पैगंबर किसी सभी लोगों ने कहा है कि हर धर्म में कि सब लोग मिलजुल के रहिए, सब लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान कीजिए, और हम लोग जो है यही संदेश देने का काम करते हैं। ये उस एकता कमेटी है हम लोग की जो हर वर्ष जो है हम लोग उस बनाने का काम करते हैं। अगर बात करें तो आपके इस कार्यक्रम की, तो क्या यहाँ पे शासन और प्रशासन का भी कोई सहयोग आपको मिलता है? हाँ, पूरा सहयोग मिलता है शासन प्रशासन का, पत्रकार बंधुओं का और सभी क्षेत्र के जनता का, क्षेत्र के लोगों का, सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सभी लोग सहयोग करते हैं, और सब लोग जो है सबके सहयोग से ही इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोग ऑर्गेनाइज करा पाते हैं। अमन का पैगाम देते हैं, और ये उर्स जो है ये अमन शांति भाईचारे का यहाँ से पैगाम निकलेगा जो पूरे हिंदुस्तान में इसकी गूंज होगी। हम एकता का पैगाम देना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब का सहयोग, सारे समुदाय का, सारे समुदाय का, सबका इसमें सहयोग होता है। और ये गंगा जमुनी तहजीब का जो है विशाल है नवाबगंज, क्योंकि ये अयोध्या से भगवान श्री राम की धरती से लगा हुआ नवाबगंज है, और सब जगह तमाम तरीके से बातें होती रहें, लेकिन नवाबगंज ऐसा जगह है जहाँ आज तक कोई भी सांप्रदायिक का कोई वातावरण खराब नहीं। यहाँ पर आपके कार्यक्रम की वजह से मैंने देखा है, हमारी टीम ने देखा है कि काफ़ी हद तक एक मेला टाइप का लगता है, जिसमें दुकानदारों को जो है रोजी भी प्राप्त होती है, वो यहाँ पे आके कमाते भी हैं। कितने वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है और इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम जब पैदा नहीं हुए थे उससे बहुत पहले से ये जो है कार्यक्रम होते चले आए हैं। हमारे बुजुर्गों ने इसका शुरुआत किया है सैकड़ों साल पहले, और वही परम्परा हम लोग अब निभा रहे हैं। और जहाँ तक दुकानदारों की बात है, दूर दूर से यहाँ लोग अपना दुकान लेकर आते हैं। आज तक हम लोग दुकानदारों से कोई पैसा नहीं लिए हैं, फ्री ऑफ कास्ट उनको अपना बिजली भी देते हैं, हम जगह भी देते हैं, पूरा सहयोग करते हैं,
और इसका ये लोग जाके दूर दूर बताते भी हैं कि नवाबगंज के लोग आज तक जो है उनसे पैसा नहीं। लगभग कितनी जनसंख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे? इसका कोई सही आंकड़ा तो है नहीं, लेकिन 20,000 की संख्या हो जाती है। ये कैसा कार्यक्रम था जहाँ पे आज आप उपस्थित हुए हैं? ये हम लोग आज यहाँ पर लाल शहीद बाबा के मजार के पास उपस्थित हैं और इनके मजार पर हर साल उर्स एकता कमेटी के सौजन्य से कव्वाली का आयोजन करते हैं। बहुत ही भारतवर्ष के जो टॉप के कव्वाल होते हैं, जैसे इस बार आप देखिए शरीफ परवाज जी हैं, उनके साथ एक टीम और है भी आ रही है, रुखसाना बानो जी आ रही हैं। ये दोनों ही भारत के बहुत ही टॉप मोस्ट कव्वाल हैं। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है आप देखिए, जो आपके साथ आप कैमरे में देखेंगे जो लोग हैं, मुस्लिम समाज के बहुत ही जिम्मेदार और वरिष्ठ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और ये कार्यक्रम हिंदू मुस्लिम दोनों समाज मिलकर के बहुत आपसी प्रेम और सौहार्द से मिल के आपसी सहयोग करके कराते हैं। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, लगभग 70-75 वर्षों से लगातार हर साल बाबा के मजार पे हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है। यहाँ मेला लगता है, कव्वाली होती है, तकरीर होती है, मतलब बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ पर। जनता ने एक बार फिर से आपको मौका दिया है, आप नगर पालिका अध्यक्ष दोबारा चुनकर आए हैं, आज जनता के बीच पर बीच में ही आप उपस्थित हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय ऐसे प्रोग्राम में आने के बाद? बहुत अच्छा। देखिए, एक तो चुनाव जीतने का एहसास वो अलग ही होता है, चुनाव जीत करके आए हैं और जनता के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं, खुशी होती है। और मैं तो भाई 5 साल जनता के बीच में रहा हूँ, आशीर्वाद लेता रहा हूँ, तो और भी अच्छा लगता है जब अपनों का आशीर्वाद ऐसा मिले कि वो आप सफल भी हों, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ें, बहुत खुशी महसूस हो रही है। और खास करके जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, आपका बहुत विशेष आशीर्वाद है और जो लोग आपको यहाँ पर मिले, जितने जिम्मेदार और वरिष्ठ लोग हैं, इनका बहुत प्रेम और आशीर्वाद मिला है, तब मैं जाकर के यहाँ पहुँच पाया हूँ, तब फिर से चुनाव।